दोस्तों, भारत को हिंदू देवी देवताओं की जन्मभूमि कहा जाता है और पूरे भारत के हर हिस्से में किसी न किसी भगवान के जन्म लेने की कहानी बताई गई है। चाहे फिर भगवान राम हो या फिर कृष्ण कन्हैया, जिन्होंने अवतार लेने के लिए भारत को चुना। ऐसे में अक्सर हमारे दिमाग में सवाल आता है कि हिंदुओं के सभी देवताओं का जन्म आखिर भारत में ही क्यों हुआ। अब इस सवाल का उत्तर जानने के लिए आपको सबसे पहले भारत के प्राचीन इतिहास में जाना होगा। इसका उल्लेख आपको हमारे पौराणिक ग्रंथों में मिल जाएगा। आज भारत जितना है, हजारों साल पहले उससे कई गुना ज्यादा बड़ा था और उस भाग को जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। मार्कंडेय ग्रंथ में इस बात का वर्णन किया गया है कि जम्बू द्वीप का फैलाव उत्तर और दक्षिण की बजाय मध्य के क्षेत्र में ज्यादा था। उस फैलाव क्षेत्र को मेरुवर्ष या फिर इलावर्त के नाम से भी जाना जाता था। इलावर्त पहले चक्रवर्ती सम्राट कुरूरवा की माँ का नाम था। इलावर्त के केंद्र में पहाड़ों के राजा सुनहरे मेरु पर्वत, जिस पर भगवान ब्रह्मा का विशाल नगर है, जो ब्रह्मपुरी के नाम से विख्यात रहा। ब्रह्मपुरी के आसपास 8 और भी शहर बसाए गए हैं, जिसमें से एक भगवान इंद्र का और साथ ही दूसरे देवी देवताओं के भवन बताए जाते हैं। त्रेता युग से संबंधित लेख में वर्णन किया गया है कि भगवान राम के काल के हजारों वर्ष पहले प्रथम मनु, स्वयंभू मनु के पौत्र और प्रियव्रत के पुत्र ने इस भारतवर्ष को बसाया था। तब इसका नाम कुछ और था, इसलिए जिन लोगों को ये लगता है कि भगवान राम के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, तो वे जान लीजिए कि इसके पीछे भी अलग अलग मत धर्म ग्रंथों में पढ़ने को मिलते हैं, जिसमें भारत की उत्पत्ति और इसके नाम का पूरा वर्णन किया गया है। वायु पुराण में लिखा गया है कि महाराज प्रियव्रत का अपना कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी के पुत्र यानी कि अपने पौत्र अग्निद्र को गोद ले लिया था, जिनका पुत्र नाभि था। नाभि की पहली मेरु से जो बेटा पैदा हुआ उसका नाम ऋषभ था। इसी राजा के पुत्र भरत हुए और इन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। वहीं एक मत के अनुसार कुरु वंश के राजा दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। प्राचीन काल का भारत देश बहुत बड़ा था और इसमें कई बड़े देश जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, ईरान, इराक और चीन की कुछ भाग भी भारत के अंदर आते थे। यही अखंड भारत आर्यवर्त के नाम से भी प्रसिद्ध था। ऐसा नहीं है कि हिंदू मंदिर सिर्फ भारत में ही देखने को मिलते हैं, बल्कि दुनिया के ऐसे कई देश हैं जहां प्राचीन मंदिर के प्रमाण मिलते हैं और ऐसी कई जगह है जहां आज भी सनातन रीति रिवाजों से पूजा पाठ किया जाता है। थाईलैंड के राज परिवार पर सदियों से हिंदू धर्म का गहरा प्रभाव रहा है। वहां के लोग ये तक मानते हैं कि थाईलैंड के राजा भगवान विष्णु के अवतार हैं। सनातन भावना का सम्मान करते हुए थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक भी गरुड़ रखा गया है। इंडोनेशिया के जावा में प्रांबनन मंदिर प्राचीन जावा का सबसे विशाल हिंदू मंदिर है। यह मंदिर खास तौर पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश को समर्पित है। इस मंदिर को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में भी शामिल किया गया है। मंदिर में त्रिदेवों के साथ उनके वाहनों के भी मंदिर मिलते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 9वीं सदी के आसपास हुआ था। बाली में पूरा तमन सरस्वती मंदिर और जावा में स्थित सिंधसरी शिव मंदिर भी मौजूद है, जो इस बात का प्रमाण है कि अखंड भारत काफी दूर तक फैला हुआ था और हिंदू धर्म की नींव केवल उस भारत से ही नहीं निकली है जैसा हमें आज के समय में नजर आता है। इसके अलावा मैक्सिको तक एक खुदाई के दौरान भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की प्राचीन प्रतिमाएं मिली थी। मैक्सिको से हजारों ऐसे और भी प्रमाण मिलते हैं जिनसे सिद्ध होता है कि हिंदू धर्म की पहुंच यहां तक भी थी। दोस्तों, वैसे तो हमारा भारत देश बहुत महान है और प्राचीन काल में इसे अखंड भारत के नाम से भी जाना जाता था। अब इस पूरे विषय पे आपका क्या कहना है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी पेशकश पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा जरूर बनिएगा।